दोस्तों, मैं सिविल इंजीनियर प्रिंस शर्मा एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल सिविल की बात में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसलिए आप लोग वीडियो को जरा भी स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्यूरिंग, मतलब क्यूरिंग क्या होता है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जब कोई स्ट्रक्चर बनता है या फिर जब कोई बिल्डिंग खड़ी होती है या फिर जैसे जब हम कोई बीम कॉलम स्लैब या फिर फुटिंग कास्ट करते हैं, तो जब वो थोड़ा सूख कर स्ट्रेंथ प्रॉपर स्ट्रेंथ जब प्राप्त कर लेता है तो उसके बाद हम उसकी क्यूरिंग करते हैं। तो क्यूरिंग क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, कौन से मौसम में कितने दिन क्यूरिंग करते हैं, कौन सा सीमेंट यूज़ करने पर कितने दिन क्यूरिंग करते हैं, तो हम आपको अपनी वीडियो में ये बताएंगे। तो उससे पहले हम जान लेते हैं कि क्यूरिंग होता क्या है, मतलब तराई होती क्या है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा है कि क्यूरिंग इज द प्रोसेस टू मेंटेन सेटिस्फैक्ट्री मॉइस्चर कंटेंट एंड टेम्परेचर इन फ्रेशली कास्ट कंक्रीट फॉर ए डिफाइंड पीरियड ऑफ टाइम। तो ये जो डेफिनेशन है वो आपका ये कह रहा है कि तराई एक ऐसी प्रक्रिया है जो किसी भी संरचना में, मतलब किसी भी स्ट्रक्चर में नमी की मात्रा को बनाए रखती है और साथ ही साथ उसमें से जो ऊष्मा निकलती है ऊष्मा की मात्रा को एक निश्चित समय तक कम करती है। तो ये आपका एक क्यूरिंग का डेफिनेशन हो गया। और क्यूरिंग का एक डेफिनेशन ये होता है दोस्तों कि तराई एक ऐसी प्रक्रिया है जो किसी भी संरचना में आंतरिक नमी को बनाए रखती है और साथ ही साथ जो उसके अंदर जलायोजन प्रक्रिया हाइड्रेशन रिएक्शन जो चल रहा है उस प्रक्रिया को पूर्ण होने में काफी हद तक मदद करती है, क्योंकि हमारी संरचना को जो स्ट्रेंथ प्राप्त होता है वो क्यूरिंग के कारण ही प्राप्त होता है। दोस्तों, मैं आपको अपने वीडियो में जो बता रहा हूं, मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं आपको ये कोई भी नहीं बताएगा। लोग बस आपको परिभाषा बताकर छोड़ देते हैं, आपको ये नहीं समझाते हैं कि क्यूरिंग वास्तव में होती क्या है। तो आप लोग इस वीडियो को जरा ध्यान से जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, क्यूरिंग का हमारे स्ट्रक्चर के स्ट्रेंथ से बहुत बड़ा रिलेशन होता है, क्योंकि हमारा जो स्ट्रक्चर की जो स्ट्रेंथ होती है, जो ड्यूरेबिलिटी होती है, वो क्यूरिंग पे ही डिपेंड करती है। और दोस्तों, क्यूरिंग जैसा कि हमने आपको बताया कि क्यूरिंग क्या होती है, अब आपको हम ये बता रहे हैं कि क्यूरिंग हम लोग क्यों करते हैं, मतलब कि क्या जरूरत पड़ता है हम लोगों को क्यूरिंग करने का। तो जैसे मान लिया कि आप कोई एक दीवार खड़ी कर रहे हैं, जैसे मान लिया कि आप 4:1 के मसाला या 6:1 के मसाले से कोई एक दीवार खड़ी कर रहे हैं, तो आपने 6:1 के मसाले से एक दीवार खड़ी कर दी, तो जैसे जैसे वो दीवार सूखेगी, मतलब उस दीवार में लगा जो सीमेंट का मसाला जो है वो सूखेगा, तो उसमें से एक प्रकार का टेम्परेचर उसमें से निकलता है। तो मान लिया कि जैसे जैसे दीवार सूख रहा है उसमें से टेम्परेचर वो धीरे धीरे निकल रहा है, तो अगर आप क्यूरिंग नहीं करेंगे तो उसमें से टेम्परेचर जो निकल रहा है उसकी मात्रा धीरे धीरे बढ़ती जाएगी, और धीरे धीरे मात्रा बढ़ते रहने के कारण अगर आप उस टेम्परेचर को कंट्रोल नहीं करेंगे तो आपकी जो दीवार है वो टेम्परेचर की मात्रा अधिक होने के कारण क्रैक्स, उस दीवार में क्रैक्स आ जाएंगे और आपकी दीवार जो है वो फट जाएगी अधिक टेम्परेचर होने के कारण। तो दोस्तों, यही कारण है कि किसी भी स्ट्रक्चर में टेम्परेचर को कम करने के लिए और उसमें नमी की मात्रा को बनाए रखने के लिए क्यूरिंग की जाती है। तो चलिए, मैंने आपको बता दिया कि क्यूरिंग क्या होती है, क्यूरिंग क्यों करते हैं, अब जानते हैं कि क्यूरिंग कैसे कंडीशन में कैसी क्यूरिंग की जाती है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने एक चार्ट बना रखा है और इसमें कैसे क्यूरिंग करनी है कैसे नहीं करनी है ये मैं आपको इसमें बताऊंगा। तो इसमें दोस्तों कंडीशन ये है कि पहले जो हमारा IS कोड था वो ये कहता था कि इफ वेदर इज नॉर्मल देन 7 days। इसका मतलब ये हुआ कि यदि मौसम सामान्य है, मतलब कि बहुत ज्यादा धूप नहीं है, मौसम बहुत ज्यादा गर्म नहीं है, तो आपको फिर मिनिमम 7 days क्यूरिंग करनी है। और दूसरा ये है कि इफ वेदर इज टू हॉट देन 7 days। तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि मौसम बहुत ज्यादा गर्म है, मतलब कि धूप बहुत ज्यादा है, गर्मी बहुत ज्यादा है, तो फिर मिनिमम आपको 10 days क्यूरिंग करनी है, इससे कम क्यूरिंग आप नहीं कर सकते हैं। लेकिन अब हमारा IS कोड क्या कहता है, IS कोड अब हमारा ये कहता है कि इफ सुपर सल्फेट सीमेंट यूज देन 7 days, मतलब यदि आप किसी स्ट्रक्चर में सुपर सल्फेट सीमेंट यूज कर रहे हैं तो फिर मिनिमम आपको 7 days क्यूरिंग करनी है, इससे कम क्यूरिंग आप नहीं कर सकते हैं। और फिर ये हमारा जो IS कोड है वो ये कह रहा है कि इफ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट यूज देन 10 days। तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि आप किसी भी स्ट्रक्चर में ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट यूज कर रहे हैं, वो चाहे किसी भी ग्रेड का हो, 33 ग्रेड का हो, 43 ग्रेड का हो, 53 ग्रेड का हो, यदि आप ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट किसी भी स्ट्रक्चर में यूज कर रहे हैं तो फिर मिनिमम आपको 10 days क्यूरिंग करनी है, उससे कम क्यूरिंग आपके लिए रिक्वायर नहीं है।
और यदि आप और तीसरा ये है कि यदि आप ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट यूज कर रहे हैं और उसके साथ साथ एडमिक्सचर्स यूज कर रहे हैं, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि इफ ओपीसी यूज विथ एडमिक्सचर्स और मिनरल देन 14 डेज, इसका मतलब ये हुआ कि यदि आप ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट यूज कर रहे हैं और उसके साथ साथ कोई मिनरल्स या फिर एडमिक्सचर्स भी यूज कर रहे हैं तो फिर मिनिमम आपको क्यूरिंग 14 डेज करनी है, मतलब 14 दिन फिर आपको मिनिमम क्यूरिंग करनी है, उससे कम क्यूरिंग आपको नहीं करनी है। तो दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक था उसमें क्यूरिंग क्या होता है, क्यूरिंग क्यों करते हैं, किस कंडीशंस में कैसे क्यूरिंग की जाती है, मैंने आपको अपनी वीडियो में ये बता दिया है। तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए ताकि हमें अच्छे से अच्छी मोटिवेशन मिलती रहे और हम आपके लिए ऐसे ही यूज़फुल वीडियोज़ बनाते रहें। तो बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।